दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी HQ-22 मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ डिफेंस सिविलियन HQ मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप के। लास्ट डेट जो यहाँ पे बताया गया, रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज अप टू 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन दिस एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में इसको पब्लिश किया जाएगा, उस टाइम से 21 दिन तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आपका नेम और पोस्ट और लोकेशन बताया गया, वैकेंसीज कितना है, कैटेगरी, स्केल ऑफ पे कितना मिलेगा, एज लिमिट और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या मांगा गया है। यहाँ पे पोस्ट देख लीजिए, MTS के लिए है आपका, यहाँ लोकेशन बताया गया सफाई वाला के लिए है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 28 है। यहाँ आपको कैटेगरी वाइज बताया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं जनरल, OBC, SC, EWS और ESM के लिए कितना है। आपका जो सैलरी मिलेगा 18,000 से लेके 56,900 रुपया तक मिलेगा। एज लिमिट 18 से 25 चाहिए और क्वालिफिकेशन आपको मेट्रिकुलेशन चाहिए, 10th चाहिए आपको पास। MTS यहाँ मैसेंजर के लिए है, मेस वेटर के लिए है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ से देख सकते हैं, और बार्बर के लिए, बार्बर तक के लिए यहाँ पे आपको 10th पास चाहिए। वॉशरमैन, मसलची, कुक्स के लिए यहाँ पे 51 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल के लिए 20, OBC के लिए 8, SC, EWS, ESM। सैलरी इन लोगों को 19,900 से लेकर 63,200 तक मिलेगा। 18 से 25 साल एज चाहिए, मैट्रिकुलेशन इसमें भी चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू अक्वाइर द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, मैट्रिकुलेशन का 10th पास सर्टिफिकेट, क्लास 10th का मार्कशीट ले जाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, 6 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेते जाना होगा विथ डेट एंड विदाउट आई वेयर, 2 सेल्फ एड्रेस इनवॉल्व्स लेके जाना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड चाहिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ बताया गया, आपका रिटन टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड रहेगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपका जो ये एप्लीकेशन होगा ये ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही भरा जाएगा, और ऑफलाइन जो भरा रहेगा वो आपका इस एड्रेस में भेजा जाएगा। यहाँ पे पिन कोड आपको बताया गया, इस एड्रेस में आपको भेजना होगा। लास्ट डेट आपको मैंने बता चुका हूँ, जब तक ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नहीं छपता है तब तक आपका काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगा डेज का। तो जब ये न्यूज़पेपर में आ जाएगा उस समय से 21 डेज के अंदर आपको फॉर्म भरना होगा। तो उसके लिए आपके पास कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर आने के बाद ही आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्लेस ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम यहाँ पे बताया गया, रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर प्रैक्टिकल, फिर ट्रेड टेस्ट होगा। तो आपका ये होगा नारंगी कैंट में, गुवाहाटी असम में होगा। यहाँ पे आपको लोकेशन एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। लोकेशन यहाँ बताया गया तेजपुर असम के लिए है, पानागढ़ वेस्ट बंगाल, अगरतला त्रिपुरा के लिए है। तो आप यहाँ से लोकेशन देख सकते हैं, और यहाँ MTS सफाई वाला के लिए है, मैसेंजर के लिए है, जनरल, OBC, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट बताया गया है कि इस टाइप का आपका एप्लीकेशन रहेगा, आपको फॉर्म भर के उस एड्रेस में भेजना होगा। नीचे आइएगा तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ दिखाई देगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लाइकली टू चेंज। तो ये जो वैकेंसीज है वो आपका घट बढ़ भी सकता है, चेंज हो सकता है। द एज लिमिट फॉर द एवर पोस्ट इज 18 to 25 ईयर चाहिए, और लास्ट डेट मैंने आपको बता चुका हूँ। तो जिस समय इसका लास्ट डेट रहेगा उस टाइम ही आपका एज काउंट किया जाएगा, और एज रिलैक्सेशन जो है SC, ST, OBC, EWSM और ESM के लिए एज रिलैक्सेशन में छूट मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको यहाँ पे बताया गया असम में होगा, असम में तेजपुर, सिलापतपुर, रंगाई, डिंजन में, त्रिपुरा में यहाँ होगा, वेस्ट बंगाल में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लोकेशन, आपका पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगा। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन यहाँ बताया गया, इनकेस ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव्ड, अगर अब लार्ज नंबर में एप्लीकेशन बहुत लोग भरते हैं या फॉर्म भरते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बेसिस पे आपका एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया जाएगा। उस बेसिस पे अगर ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन इसमें लोग भरते हैं तब, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट अटैच क्या क्या करना है यहाँ पे बताया गया, फोटो कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन 10th पास चाहिए, फोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट का, कार्ड सर्टिफिकेट। तो आप यहां से देख सकते हैं कि करके आपको क्या क्या चाहिए।